वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही यू नो अमेजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कि कैसे हम फॉलो बटन लगाएंगे। लेट्स सपोज आपका फेसबुक पेज हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल हो और बहुत सारे जो सोशल मीडियाज के प्रोफाइल्स हैं, उसको कैसे आप इस मैनर में शो कर सकते हैं अपने साइड बार में, जिससे कहीं ना कहीं जो विजिटर आपके होंगे इस पे क्लिक करके आपके उस पेज को, उस ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया यहाँ पे फेसबुक पे, नए टैब में ये चीज़ आपकी ओपन हो गई और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज़ आवर ऑफिशियल ग्रुप, जहाँ पे आप बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करने के लिए हैं, बहुत अमेजिंग लोग हैं। कुछ लोग एडसेंस में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग ब्लॉगिंग में हैं, कुछ लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को लेके नॉलेज रखते हैं। मे बी आप भी किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप भी वहाँ पे दूसरों का हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सो यस, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। यहाँ पे आपको ऊपर भी बटन मिल जाएगा, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बनाना बताऊँगा कि कैसे इसको बनाएंगे बिना प्लगइन का। यस, हम इसे बिना प्लगइन का करना सीखेंगे। सो लेट्स जंप इनटू माय वीडियो और वहां भी हम देखेंगे कि कैसे ये चीजें पॉसिबल है। ऑलराइट, आज जो वेबसाइट हम यूज करने वाले हैं दैट इज टेकी ड्राइवर, क्योंकि हमने वेब इनसाइट्स पे ऑलरेडी ये चीज इंप्लीमेंट कर लिया है। आई डोंट नो मैं इसे रखने वाला हूं कि नहीं, बट यस आई लेट यू नो कि कैसे आप इस साइड बार में, यानी कि एक नए वेबसाइट पे या फिर अपनी वेबसाइट पे कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डू इट। यहाँ पे हम आ जाएंगे डैशबोर्ड में और सिंपली हम आ जाएंगे कस्टमाइज में। बाय द वे वहाँ से भी कस्टमाइज में जा सकते थे, आई डोंट नो मैं डैशबोर्ड में क्यों आया। ऑलराइट, यहाँ पे साइड बार में जाने के लिए इस विजिट्स को एक्सेस करने के लिए किसी भी पेंसिल आइकन पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, शॉर्टकट है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेन्यू में। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, एकदम लास्ट में यहाँ पे देखिए प्लस का एक बटन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है HTML। बहुत सिंपल सा विजेट है जिससे आप कस्टम HTML यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको ये HTML कोड जो इस विजिट में मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल्स भी होंगी। ऑलराइट, ये कोड आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, कुछ HTML कोड है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि आई थिंक हम लोगों ने CSS नहीं डाला है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे HTML पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम बैक जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडिशनल CSS पे। अब आपको CSS भी मिल जाएगा, CSS सिंपली आपको कॉपी करना है, पोस्ट में आपको CSS भी मिल जाएगा। ऑलराइट, सिंपली आपको टॉप में पेस्ट कर देना है एंड यस वी आर डन नाउ। आप देखिए यहाँ पे कुछ इस मैनर में दिख रहा है, जो कि अभी मुझे लगता है कि और खूबसूरत तरीके से दिख सकता है। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, वो सेटिंग आपको फॉलो करना है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे मल्टीपल आइकन है, आई डोंट नो आपको कितने आइकन्स चाहिए, बट फॉर मी मुझे लगता है कि एक लाइन में आइकन्स दिखाएं और वही इनफ होगा। जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वापस हम इस पे आइकन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ आइकन अगर रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको आइकन मैनेज करना है। देखिए आपने यही कोड अभी HTML में पेस्ट किया, कस्टम HTML में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक LI है, उसके अंदर एक एंकर टैग है, मैंने टारगेट ब्लैंक दे दिया है ताकि ये नए टैब में ओपन हो। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का कोड है, यानी कि यहाँ पे फॉन्ट्स जो आ रहे हैं, जो आइकन्स आ रहे हैं, वो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी से आ रहे हैं। सिंपल सा एक रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पर आने वाली है जो आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मैंने CSS में ही इसे इंपोर्ट फंक्शन दे दिया है, यानी कि जहाँ पे ये CSS, जहाँ पे ये आइकन दिखेगा वहीं पे ये रिक्वेस्ट आएगी, आपकी वेबसाइट के कंप्लीट पेजेस पे नहीं आने वाला है। ऑलराइट, और बिना इस चीज़ का ये पॉसिबल भी नहीं था,
कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते वो भी यही करता और कहीं ना कहीं प्लगइन भी आपके रिसोर्सेज को यूज़ करता। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हैशटैग है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो हैशटैग है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फेसबुक का, जैसे कि देखिए फेसबुक है, फेसबुक का लिंक डालना है, उसी मैनर में यहाँ पे ट्विटर का, उसी मैनर में यहाँ पे इंस्टाग्राम का, और किसी भी आइकन को आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पिंटरेस्ट और व्हाट्सएप यहाँ पे रहे आइकन में, तो सिंपली वी विल यू नो डिलीट दिस लाइंस एंड यस, उसके बाद हम इसको फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको डिलीट करके फिर से हम क्या करेंगे, कस्टम एचटीएमएल में इसको पेस्ट कर देंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक आइकन यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस, यू नो पैडिंग है बहुत ज़्यादा, इस पैडिंग को हमें रिमूव करना होगा, बहुत जेंटली करने वाले हैं। सिंपली हम आ जाएंगे कहाँ पे, बैक, एकदम बैक आ जाएंगे, लेआउट में आएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे साइड बार, और हमें लेफ्ट और राइट साइड बार का क्या करना है, पैडिंग ख़त्म करना है, पूरा नहीं ख़त्म करेंगे नहीं तो बेकार लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम ज़ीरो कर दें और यहाँ पे लेफ्ट वाले भी ज़ीरो कर दें, देखिए कितना बेकार लग रहा है। सो लेट्स मेक इट 25 और लेफ्ट वाले को भी हम क्या करते हैं 25 कर देते हैं। मैं जूम कर देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए हमने राइट को 25 किया और लेफ्ट को 25 किया, अब देखिए कितना मतलब अमेजिंग दिख रहा है ये। मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत यूआई दिख रही है। और इससे अगर आपको ऊपर करना रहे तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एक एरो बटन है मूव अप का, सिंपली आप इसे मूव अप कर सकते हैं। दो बार मैंने क्लिक किया, ये देखिए सबसे ऊपर आ गया, बट यहाँ पे नहीं, हम इसे नीचे कर देते हैं क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। ऑलराइट, ये देखिए ये कितना अमेजिंग यूआई और कितना अमेजिंग सोशल आइकन दिख रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे और प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे कि ऊपर आइकन यू नो स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेम उसी जगह जाएंगे, लेआउट में, साइड बार में, ऊपर 50 पिक्सल है, लेट्स मेक 25 पिक्सल फॉर बोथ, हमने 25 पिक्सल किया और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लेआउट दिख रहा है। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा, जो आइकन आप चाहें इसमें से रख सकते हैं, बट फॉर मी आई थिंक 5 आइकन्स आर इनफ। आई डोंट नो कि कोई इस समय पिंटरेस्ट और कुछ आई डोंट नो मैंने कौन कौन से आइकन्स रखे थे, जैसे कि यहाँ पे पिंटरेस्ट और व्हाट्सएप भी कोई यहाँ पे लिंक करेगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए जिस ऑर्डर में चाहिए आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप का आइकन सबसे पहले शो करूँ, सिंपली वी विल कॉपी इट एंड एक्चुअली कट इट और इसे हम ऊपर पेस्ट कर देंगे। नोटपैड में सारे चेंजेस करो, उसके बाद जाके इसे पेस्ट करो अपनी वेबसाइट्स पे। ऑलराइट, रिपीट कर देता हूँ, हैशटैग जहाँ पे है इसको रिमूव करके आपको क्या करना है, अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल देना है। मैंने टारगेट ब्लैंक ले लिया है ताकि ये नए टैब में ओपन हो, आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट इससे मेंटेन रहेगा। बाउंस रेट क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आता है और वो अचानक से क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे चला जाता है तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से गूगल पसंद नहीं करता है, गूगल को लगता है, देख रहे हो कितना एफर्ट्स आ रहा है, मतलब कि आवाज़ यहाँ पे रुक जा रही है। नीचे यार कमेंट्स करो, थोड़ा सा अप्रिसिएट करो ये सारे एफर्ट्स को। और मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊँ, यूट्यूब इन सारे वीडियोस के इतने सारे पैसे नहीं देता है, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों में से जो वीडियो आप देख रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि सबने सब्सक्राइब भी किया है। तो यार सब्सक्राइब कर दो और बाय दिस वे यू कैन यू नो अप्रिसिएट माय यू नो एफर्ट्स, मुझे अच्छा लगेगा और ये सारे अमेजिंग वीडियोस मैं दे पाऊंगा, क्योंकि एक नंबर दिखेगा कि चलो 20,000 लोगों के पास मेरा वीडियो जा रहा है, मेरे को एक रीज़न मिलेगा कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, लेट्स लीव इट, आई डोंट नो। सो यस, दिस इज़ हाउ यू कैन यस, बाउंस रेट के बारे में हमने हम बात कर रहे थे कि कैसे बाउंस रेट क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। सो यस, बाउंस रेट जितना टाइम आप विजिटर को अपनी वेबसाइट पे रोकेंगे उतना ही बाउंस रेट मेंटेन रहेगा और उतना ही सर्च रिजल्ट में आपको रैंकिंग मिलेगी। तो आप दिमाग लगाइए कि कैसे किसी विजिटर को हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ आगे यू नो कुछ कोड्स वगैरह लेके आऊँगा जिससे आप बाउंस रेट बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं,
जैसे कि कोई चीज़ अगर आपको डाउनलोड करानी है तो आप उनको 50 सेकेंड 60 सेकेंड एक मिनट रोक सकते हैं टाइमर वगैरह लगा के। प्लगइन्स आती हैं, बहुत अच्छा काम नहीं करता है। हमारे 10 लाइन के जावास्क्रिप्ट के कोड इनफ होंगे इस चीज़ के लिए। सो यस, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड सोशल फॉलो बटन ऑन योर वेबसाइट एंड यू कैन चेंज एनी सीएसएस। आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग में चेंजेस कर सकते हैं। यू हैव राइट्स टू एडिट द कोड। बट यार, बहुत सारे लोग यू नो मेरे कोड्स को लेके वीडियोस बना दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो राइट्स भी नहीं दे रहे हैं। सो आई हैव यू नो यूट्यूब सपोर्ट और मैं कुछ करके उनको जरूर मैं स्ट्राइक देने वाला हूँ अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हो। सो गुड लक फॉर यू। ऑलराइट, सो यस, दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड फॉलो बटन। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे। आई डोंट नो मैं क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे किसी और अमेजिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट प्लगइन। आई थिंक आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दो। बेसिकली ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, लेकिन नंबर्स अच्छे लगते हैं, राइट? लाइक्स कर दो और कमेंट्स के नंबर्स थोड़े से बढ़ा दो। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग।